उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर 4 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे मेंस एग्जामिनेशन या पीटी एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है इस वीडियो पर, आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 जो है ये भी 200 मार्क्स का होता है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं, टोटल जो प्रश्न है 20 प्रश्न दिए जाएंगे, दो सेक्शन में बटे हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पता चल जाएगा क्वेश्चन से। सेक्शन है यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और इनका उत्तर जो है 125 शब्दों में हम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है मूल्य क्या है, यहाँ पर मूल्य का मतलब वैल्यूज से रिलेटेड है, इथिक्स का पेपर होता है पेपर 4 जो है, तो व्हाट आर द वैल्यूज, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए थ्रो लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द इथिकल कंसर्न्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, व्हाट इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी इन द गवर्नेंस, डिस्कस क्रिटिकली। क्वेश्चन नंबर 4 गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन द इथिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित को प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए, अंतरात्मा कंसाइंस के बारे में पूछा गया है, सेवा भाव स्पिरिट ऑफ सर्विस के बारे में पूछा गया है, अनुशासन अर्थात कि डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है, लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है, इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। पब्लिक सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवार्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड कंपेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड को हिंदी में हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में विभेद कीजिए, जिसमें कि अभिवृत्ति एवं मूल्य के बारे में पूछा गया है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज और एंड एटीट्यूड एंड ओपिनियन के बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हाल में ही में आपने एक सरकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, अपने कार्यालय में पहले ही दिन आप पाते हैं कि संगठन में कई अनियमितताएं जो हैं विद्यमान हैं, जैसे स्टाफ जो है समय का पाबंद नहीं है, स्टाफ व्यर्थ बातचीत में अपना समय नष्ट करता है, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है, आप अपने स्टाफ को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे जिससे संगठन की उपयुक्त कमियों का निदान हो जाए, विवेचना कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट हमें बात समझ में आ रही है कि स्टाफ से बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सख्ती भी बरतेंगे, नियम बनाएंगे, ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग इसका आंसर 125 शब्दों में देने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी, यहां 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का है और इसका जो उत्तर है 200 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मॉरलिटी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 कांट का नीति शास्त्र आकारवादी एवं कठोरतावादी है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, कांट्स इथिक्स इज फॉर्मलिस्ट एंड रिगोरिट, क्रिटिकली एग्जामिन दिस व्यू एंड इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कांटियन इथिकल प्रिंसिपल इन मॉरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13 लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए, क्या अंतर आत्मा उनके समाधान में सहायक होगी, विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन द इथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स, विल कॉन्साइंस बी हेल्पफुल इन देयर सोल्यूशन, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14 भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या है, समाज में उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए, व्याख्या कीजिए, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ करप्शन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू यू टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 15 एक प्रकरण दे दिया गया अर्थात कि एक केस दे दिया गया है, इस केस को पढ़ना है जिसमें कहा गया है कि निशांत सामाजिक रूप से संवेदनशील है, निशांत एक व्यक्ति है जो कि सामाजिक रूप से संवेदनशील है, समाजवादी विचार के बुद्धिजीवी एवं एक प्रोफेसर है, वे अपने लेखों भाषणों और मीडिया के माध्यमों से मजदूरों अल्पसंख्यकों दलितों महिलाओं एवं जनजातियों के स्वर को मुखरित करते हैं, एक पार्टी भी उन्हें अपने थिंक टैंक में रखे हुए है इसी क्रम में वे आह्वान करते हैं कि सम्राट जनों प्रबुद्धों राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों को अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहिए, प्रवेश के महीनों में अभिजात स्कूल
के मापदंडों पर बहस होती है और उसकी शिक्षा के हित में आलोचना भी होती है, जिसमें निशांत भी सम्मिलित रहते हैं, किंतु पता चलता है कि वे स्वयं अपने बच्चे को एक अभिजात स्कूल अर्थात कि प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु प्रयासरत हैं। अतः उनके इस कृत्य को आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि वे करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, इस तरह की बात है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या बहुत सारे जो शिक्षक हैं या बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, बाहर पढ़ने को भी भेज देते हैं। तो इस तरह की घटना यहाँ पर दी गई हुई है। अब हमें क्या करना है कि इस प्रकरण को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो गिभिन्न प्रश्न है इनका हमें उत्तर देना है कि क्या निशांत को भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिला देना चाहिए, क्या निशांत के बौद्धिक विमर्श त्याग देना चाहिए, क्या उन्हें अपने पार्टी के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना चाहिए, या अपने बच्चे का प्रवेश अभी जाते स्कूल में करा देना चाहिए, विवेचना कीजिए। ये चार प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने हैं हमें। ये जो केस है हमने पढ़ा अभी, इसको हिंदी में इंग्लिश में इस तरह से है और फिर इसका आंसर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16, जनसमूह की अभिवृद्धि परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड पर्सुएसिव कम्युनिकेशन टू चैलेंजेस द एटीट्यूड्स ऑफ द मासेस। क्वेश्चन नंबर 17, भावनात्मक बुद्धि तत्व एक सैद्धांतिक संप्रयत्न नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा तथा आयामों की व्याख्या कीजिए। इन एशियंस इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट अ मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की विवेचना एवं मूल्यांकन कीजिए, जैसे सत्यनिष्ठा अर्थात की इंटीग्रिटी, निष्पक्षता अर्थात की इम्पार्शियलिटी, वस्तुनिष्ठा अर्थात की ऑब्जेक्टिविटी और गैर तरफदारी अर्थात की नॉन पार्टीशनशिप को हमें डिफाइन करना है, और इसकी जो प्रासंगिकता है सिविल सेवा में किस तरह से है इस पर भी हमें दो दो लाइन लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिवृत्ति हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। एटीट्यूड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड्स फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक जन सूचना अधिकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। वांछित सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हो सकती है जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने पर या आंशिक सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। जन सूचना अधिकारी एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, परंतु जिस विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में RTI में आवेदन किया गया है वह गलत निर्णय है। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है, ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे? तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ निर्णय लिया और वो गलत साबित हुआ तो आप क्या चीजें करेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से, मतलब कि हमें क्या करना है, यहां से क्वेश्चन है कि वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है, ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे? तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। मान लीजिए कि मुझे आंसर लिखना है, तो एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी कंडीशन ये है और वो ये कंडीशन लेकर मेरे पास आता है, अर्थात कि जो मैं आंसर लिखने वाला हूं उसके बाद मैं इसका आंसर क्या दूंगा। द ऑफिसर कम्स टू यू फॉर योर एडवाइस अंडर द एवब कंडीशंस, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द ऑफिसर? एक्सप्लेन लॉजिकली। तो ये अपने टोटल 20 क्वेश्चंस हुए जनरल स्टडी पेपर 4 के, जिसमें कि इथिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा।